बरेली के बहेड़ी में नेशनल हाईवे पर अवैध शराब की दुकानें बेखौफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही है खिल्ली। अवैध शराब के दुकानदारों को विभागीय अधिकारियों व नेताओं का मिल रहा है संरक्षण। सरकार के लाख दावों के बावजूद भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। रिश्वत के बाजार में कोई भी अवैध काम की पाबंदी नहीं है, जिसकी जीती जागती मिसाल बहेड़ी व उत्तम नगर में नेशनल हाईवे पर खुली अवैध शराब की दुकान है। दबंगों के आगे सारे कानून झुके दिखाई दे रहे हैं। लाख सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों पर पाबंदी लगा रखी हो, परंतु यहां तो कोई मानने को तैयार नहीं है। बेखौफी का यह आलम है कि नेशनल हाईवे पर शराब की अवैध दुकानें खोलकर बड़े बड़े होर्डिंग भी लगा रखे हैं। वहीं इन अवैध शराब की दुकानों से आसपास के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को भी एक खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु दबंग दुकानदारों के कारण कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। धड़ल्ले से यह शराब का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है और आबकारी विभाग देखते हुए भी आंख बंद कर बैठा हुआ है। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट।